अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हमने स्पाज़मोलिटिक्स ड्रग डिस्कस करने हैं। अच्छा, स्पाज़मोलिटिक ड्रग्स पढ़ने से पहले जो है ना, ये एक न्यूरॉन है जिसे हम डिस्कस करते हैं, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा होता है कि जो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन है और ये है पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन में ना हमारे पास सोडियम चैनल्स होते हैं और कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो अगर एक्शन पोटेंशियल आया है, जैसे हमारे पास सिग्नल आया है ब्रेन से कि मसल्स को कहें कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन से ना एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, सबसे पहले ना सोडियम आयंस अंदर आने ज़्यादा हो जाते हैं। जब सोडियम आयंस अंदर आते हैं तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक है, बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। जब अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है यानी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही होती है, तो उस डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है, यानी दो जगहों से सोडियम और कैल्शियम चैनल से पॉजिटिव चार्ज अंदर आना शुरू हो जाता है। अब कैल्शियम अंदर आता है तो क्या होता है, कैल्शियम अंदर आके ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जैसे कि ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इस ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराना शुरू कर देता है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। अब कैल्शियम जब इस ग्लूटामेट को रिलीज कराता है, ये ग्लूटामेट नीचे जाके जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना, इसके ऊपर जाके दो रिसेप्टर्स होते हैं, AMPA रिसेप्टर्स और NMDA रिसेप्टर्स, एम्पाज और नेमडा। अब AMPA रिसेप्टर पे जब ग्लूटामेट बाइंड करता है तो AMPA रिसेप्टर ओपन होते हैं और सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स शुरू हो जाती है। इसी के साथ जो NMDA रिसेप्टर्स होते हैं, जब इनके ऊपर ग्लूटामेट बाइंड करता है तो ये कैल्शियम आयंस की इन्फ्लक्स शुरू करा देते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि AMPA रिसेप्टर ओपन होने से सोडियम अंदर आ गया, NMDA रिसेप्टर ओपन होने से कैल्शियम अंदर आ जाता है। जब ये चैनल्स ओपन होते हैं तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए ना हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है जिसे हम कहते हैं गाबा वाला न्यूरॉन। ठीक है, गाबा न्यूरॉन या इनहिबिटरी न्यूरॉन। ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है ना, ये क्या करता है, इसके अंदर स्टोर्ड होता है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ये रिलीज़ होता है यहाँ पे सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। और ये जो पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन था ना, जिसमें AMPA NMDA वाले सारे रिसेप्टर्स थे, ठीक है, इनके ऊपर एक रिसेप्टर और होता है जिसे हम कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर। ये जो हमारे पास गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये इस गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर जाता है और बाइंड करने के बाद क्लोराइड आइंस यानी जो नेगेटिव चार्ज आइन है क्लोराइड, उसकी इन्फ्लक्स कराना शुरू कर देता है। जब क्लोराइड अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, मेम्ब्रेन आपकी हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चली जाती है। जब मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज होती है तो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, मसल स्पाज में थे, वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक एक्साइटेशन और इनहिबिशन का प्रोसेस था। अब स्पाज़मोलिटिक्स डिस्कस करने के लिए ना, ये एक डायग्राम आपने देखनी है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का एक ट्रांसवर्स सेक्शन हमने लिया है, यानी स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन हम देखने लगे हैं। अब सबसे पहले ब्रेन के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, ये फर्स्ट करें ब्रेन है, ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ना सिग्नल आता है स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, थ्रू दी अपर मोटर न्यूरोन। यानी जो अपर मोटर न्यूरोन है, अपर मोटर न्यूरोन ब्रेन से, ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से सिग्नल लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में ना एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। ये जो अपर मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है ना स्पाइनल कॉर्ड तक, वो सिग्नल जाता है इस लोअर मोटर न्यूरॉन के पास और ये लोअर मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके चला जाता है मसल्स के पास, ठीक है, और मसल्स को कहता है कॉन्ट्रैक्ट कर। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा होता है। अब इस प्रोसेस को, ये जो एक्साइटेशन वाला प्रोसेस हो रहा है ना, इसे कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरॉन भी यहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है। अब इस वाली डायग्राम को, इस वाली जो तीन न्यूरॉन्स हैं, इन्हें हम अच्छे से डिस्कस करने के लिए, डिटेल से डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं कि इनमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये वही वाला प्रोसेस कि हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन है यानी प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन है और ये आपके पास इनहिबिटरी न्यूरॉन है। अपर मोटर न्यूरॉन में वही हो रहा है, सोडियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम के अंदर आने से ग्लूटामेट जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हुआ और यहाँ पे जाके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और सोडियम और कैल्शियम की इन्फ्लक्स कराता है। ये दोनों अंदर आते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। तो
इतना जो हिस्सा है ना वो एक्साइटेशन वाला हिस्सा है जो हमने समझ लिया। अब इनहिबिटरी न्यूरॉन इसे कैसे कंट्रोल कर रहा था, यही इनहिबिटरी न्यूरॉन में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर पर रहा था। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और यहाँ पे जो गाबा ए रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर जाके ये बाइंड कर जाता है गाबा ए रिसेप्टर, और बाइंड करने के बाद ये क्लोराइड आयंस की इन्फ्लक्स कराना शुरू कर देता है, यानी क्लोराइड अंदर आनी ज़्यादा हो जाती है। जब क्लोराइड अंदर आनी ज़्यादा हुई तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा था वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो पहले हमने डिस्कस किया, उसी को हमने देख लिया यहाँ पे। अच्छा, जो सबसे पहले ड्रग हम स्पाज्मोलिटिक से पढ़ने लगे हैं ना वो है डाइजीपाम। डाइजीपाम बेसिकली एक बेंजोडाइजीपीन होता है। ठीक है, बेंजोडाइजीपीन वाला जो कंप्लीट लेक्चर है वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एंटी सिडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग के अंदर। ठीक है, तो हमने वहाँ से जो उसने से कवर करना है। अच्छा, बेंजोडाइजीपीन्स करते क्या हैं, वो जाके हमारे पास इस गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते थे और इस गाबा ए रिसेप्टर्स की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देते थे, यानी बार बार ये गाबा ए रिसेप्टर ओपन होगा। जब गाबा ए रिसेप्टर बार बार ओपन होगा तो ज़्यादा क्लोराइड अंदर जाएगा, ज़्यादा क्लोराइड अंदर जाएगा यानी नेगेटिव चार्ज अंदर ज़्यादा होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। अंदर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चली जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा तो हमारे पास जो मसल है जो पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में था वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइजीपाम यानी बेंजोडाइजीपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था एज स्पाज्मोलिटिक ड्रग। नेक्स्ट आ जाते हैं बैक्लोफेन। जो बैक्लोफेन है ना इसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। पहला ये एक काम करता है कि हमारे पास ना पहले हमने पढ़ा गाबा ए रिसेप्टर, अब बैक्लोफेन एक्ट करेगा गाबा बी रिसेप्टर्स पे। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी जो नीचे वाला न्यूरॉन है इसके ऊपर गाबा बी रिसेप्टर्स होते हैं, बैक्लोफेन जाके इसके ऊपर बाइंड कर जाता है और यहाँ पे बाइंड करने के बाद पोटाशियम चैनल्स की पोटाशियम आयंस की इफ्लक्स कराता है, यानी पोटाशियम को बाहर निकालना शुरू कर देता है। पोटाशियम बाहर आने से पेशेंट हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाता है, उसका मसल सॉरी जो न्यूरॉन है वो हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा। अब देखो हाइपर पोलराइजेशन ना दो वजह से हो सकती है, अंदर किसी भी वजह से हमने नेगेटिव चार्ज ज़्यादा करना है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा करना है तब जाके हाइपर पोलराइजेशन होगी और मसल रिलैक्स करेगा। अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा करने के लिए ना चाहे हम ये भी कर सकते हैं कि अंदर क्लोराइड भेज दो यानी नेगेटिव चार्ज अंदर भेज दो तो भी हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, या पॉजिटिव चार्ज यानी पोटाशियम को पकड़ के बाहर निकाल दो। तो दोनों कंडीशंस के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप पेशेंट हाइपर पोलराइजेशन में जाएगा और पेशेंट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता, मसल रिलैक्स होगा, वही वाला सारा कॉन्सेप्ट। एक तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया बैक्लोफेन का, यानी वो पोटाशियम की इफ्लक्स कराता है। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैक्लोफेन का ये है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना यानी ये जो ऊपर वाला न्यूरॉन है इस न्यूरॉन के अंदर जब जाके बैक्लोफेन एक्ट करता है तो यहाँ पर जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था ना, कैल्शियम अंदर ज़्यादा आ रही थी, कैल्शियम अंदर ज़्यादा आने से ये न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट रिलीज हो रहा था, इस प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देता है, यानी बैक्लोफेन इट इनहिबिट्स द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ये रोक देता है। जब कैल्शियम अंदर आनी बंद हो जाती है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज भी नहीं होता और एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होता। ये दो प्रोसेस हो गए, दो ड्रग्स हो गए। तीसरा जो ड्रग है ना वो हमारे पास है टीजेनिडीन। जो टीजेनिडीन ड्रग होता है ना, टीजेनिडीन बेसिकली अल्फा टू रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है ऑन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे ये जो टीजेनिडीन होता है ना ये अल्फा टू रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज जो हो रही होती है जैसे ग्लूटामेट की रिलीज हो रही थी इसे इनहिबिट कर देगा। अब कैसे इनहिबिट करता है, जो अल्फा टू रिसेप्टर्स होते हैं ना वो बेसिकली ना GI यानी इनहिबिटरी जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, अल्फा टू रिसेप्टर्स इनहिबिटरी जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। जब अल्फा टू रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो एडिनाइल साइक्लेस काम करना छोड़ देता है। ठीक है, साइक्लिक AMP ठीक तरीके से काम नहीं करता और जो रिलीज़ हो रही होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की वो ख़त्म हो जाती है, बंद कर देता है रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, जो रिटेल जी प्रोटीन वाले मैकेनिज्म्स में हम पढ़ लेंगे अल्फा बीटा रिसेप्टर्स में। अभी के लिए बस ये याद रखिए जो टीजेनिडीन ड्रग है ये अल्फा टू रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है ऑन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स
और बाइंड करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, इस रिलीज को इनहिबिट करता है यानी रोक देता है। तीन ड्रग हो गए हमारे पास, डाइजपैन, बैक्लोफेन और टिजेनिडिन। अब इसके बाद आ जाता है रेनोडीन, एक ड्रग है, ठीक है। रेनोडीन हम पहले पढ़ चुके हैं, मसल सॉरी हमारे पास मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर। तो हमने कहा था मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि अगर एक पेशेंट के अंदर RYR1 रिसेप्टर्स यानी रेनोडीन टाइप 1 रिसेप्टर्स जो कि स्केलेटल मसल्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि जो RYR1 रिसेप्टर्स है ना, रेनोडीन रिसेप्टर्स, ये स्केलेटल मसल्स पर प्रेजेंट होते हैं, और जो रेनोडीन टाइप 2 रिसेप्टर्स है ना, ये हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि डेंड्रोलिन या मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर RYR1 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, टाइप 2 नहीं। अच्छा, जो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ये जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज़्यादा कैल्शियम स्टोर्ड होता है। इस कैल्शियम के रिलीज को कंट्रोल कर रहा होता है रेनोडीन टाइप 1 रिसेप्टर। अगर किसी पेशेंट में ये RYR1 रिसेप्टर यानी रेनोडीन टाइप 1 रिसेप्टर्स ख़राब हों, ठीक ना काम कर रहे हों, म्यूटेंट हों, तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाते हैं। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। पेशेंट के जो मसल्स हैं वो स्पाज्म हो जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब इसे कंट्रोल करने के लिए ना हम डेंड्रोलिन देते हैं। डेंड्रोलिन बेसिकली इट इज़ एन एंटेगोनिस्ट एट दी RYR1 रिसेप्टर्स, यानी ये जो रेनोडीन रिसेप्टर्स हैं टाइप 1 रिसेप्टर्स, इन्हें जाके ब्लॉक कर देते हैं। जब ये RYR1 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो कैल्शियम रिलीज नहीं होती। जब कैल्शियम रिलीज नहीं होती तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो मसल रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। अब लास्ट में हम इसकी जो सारे ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि डेंड्रोलिन जो है वो ब्लॉक करता है RYR1 रिसेप्टर्स इन स्केलेटल मसल्स। डाइजीपाम क्या कर रहा था, वो बीटा गाबा ए रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके क्लोराइड की परमिबिलिटी को ज़्यादा करता है, ठीक है। और टिजेनिडिन अल्फा 2 एगोनिस्ट के साथ बाइंड करता था और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को रोकता है। बैक्लोफिन गाबा बी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके पोटाशियम की परमिबिलिटी को ज़्यादा करता है, ठीक है, पोटाशियम को बाहर निकालता है। सो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इंशाल्लाह पार्किंसंस डिजीज़।